विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विल हैव हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ कट ऑन द डीएनए. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विल हैव हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ कट ऑन द डीएनए. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में डीएनए काटने की सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसके अंदर पाई जाएगी? ये होगी एसए यू 3A1 की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कट द डीएनए, एसए यू 3A1. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट? सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नन ऑफ देम. सो सदर्न ब्लॉटिंग इज अ मैथड, दिस इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट. सदर्न ब्लॉटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डज नॉट प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स? ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो स्टिकी एंड्स को नहीं बनाता है. सो द आंसर इज एल यू वन. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ द डीएनए ए फ्लोरोसेंट डाइएथिडियम ईटीबीआर इज एडेड. ऑन इल्यूमिनेशन विथ यूवी लाइट द डीएनए फ्लोरेसेंस ब्राइटर व्हाइल नो फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन जेल. व्हाई? ऐसा क्यों होता है कि ईटीबीआर जब हम डालते हैं तो ये यूवी लाइट में तो हमें दिखता है, नॉर्मल जेल में हमें दिखाई नहीं देता है. सो आंसर इज द बाइंडिंग ऑफ डाई विद डीएनए कॉन्सेंट्रेट्स इट. ठीक है, डीएनए के विलयन के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान एक डाइड ईटीबीआर डाला जाता है. ये यूवी में तो दिखता है लेकिन जेल में नहीं दिखता. क्यों नहीं दिखता? क्योंकि डीएनए के साथ बंधक के बांधने के बाद ये जो डाई है वो कैसी हो जाती है? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट. व्हेन एन इम्प्योर डीएनए इज इलेक्ट्रोफोरेस्ड ऑन ए एग्रोस जेल and observe under UV light, a simmer is observed on the gel. What does it indicates? जब एक impure DNA है और उसको हमने electrophoresis पे लगाया है, UV light के अंदर देखते हैं हम, तो उसके ऊपर हमें एक क्या दिखाई देता है? आरेख, एक line दिखाई देती है, simmer दिखाई देता है. इसका मतलब क्या है? वो line किस चीज़ की है या वो impurity हमें किस चीज़ को show करती है? तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो जो डीएनए है वो क्या हो गया है? शेयर्ड हो गया है, यानी टूट गया है. द डीएनए इज शेयर्ड. अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स विल बी. अर्थमेटिक मीन फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का क्या होगा? आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा. आंसर इज 10. Select the correct formula for the calculation of combined arithmetic mean. What is the formula? Combined arithmetic mean. So answer is 2. This is the formula for combined arithmetic mean. ठीक से इसको देख लीजिएगा. This is the फॉर्मूला फॉर सामूहिक माध्य निकालने के लिए. जो फॉर्मूला है वो ये होता है. नेक्स्ट वन इज इफ सिग्मा इज इक्वल टू 5.97 एंड एक्स बार ऑफ ए सीरीज इज 51, द कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी. क्या होगा? कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी. आप इसको कैलकुलेट कीजिए. आंसर इज 0.117. नेक्स्ट इज इफ इन ए सीरीज वैल्यू ऑफ एक्स बार इज 31 ई एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25400 एंड ई एफ इज इक्वल टू एप्साइलन एफ इज इक्वल टू 100 दिया गया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? आप कैलकुलेट कीजिए. आंसर इज 15.94.
नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन इवेंट नंबर विद अ डाई विल बी, एक पासे के फेंके जाने पर सम संख्या प्राप्त होने की संभावना कितनी होती है. सो आंसर इज 2, 1/2. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स हाउ मेनी टाइप ऑफ कोरिलेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड. वेरिएबल्स की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के कोरिलेशंस देखने को मिलते हैं. सो आंसर इज 3 वेरिएशंस. द नेम ऑफ फ्रांसिस गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन वॉज एसोसिएटेड विद. फ्रांसिस गैल्टन और कार्ल पियर्सन का संबंध किससे है, कोरिलेशन से. फ्रांसिस गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन के नाम किससे संबंधित हैं, कोरिलेशन से. द टू रिग्रेशंस वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय. द वर्ड रिग्रेशन वॉज फर्स्ट टाइम यूज बाय, किसने सबसे पहले रिग्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया था, सर फ्रांसिस गैल्टन इन 1877. इफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए सीरीज आर 22 एंड 21.4 रिस्पेक्टिवली वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन. सो आंसर इज 3, 21.10. स्टैटिस्टिकल एवरेज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स. सांख्यिकी माध्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के. सांख्यिकी माध्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के. कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. द कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सीरीज इज 30% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15. देन इट्स अर्थमेटिक मीन इज, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर इज 50. स्टैटिस्टिक्स डायग्राम आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ. सांख्यिकी में लेखा चित्र साधन है किस चीज के, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन प्रेजेंटेशन और कलेक्शन ऑफ डाटा. सो आंसर इज 3 प्रेजेंटेशन. मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वॉज प्रपोज्ड बाय सर रोनाल्ड ए फिशर, सर फ्रांसिस गैल्टन, वैलेस एंड रॉबर्ट्स, कार्ल पियर्सन. मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वॉज प्रपोज्ड बाय सर रोनाल्ड ए फिशर 1923. सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ टी टेस्ट. द करेक्ट फॉर्मूला फॉर टी टेस्ट इज दिस वन. सो आप ऐसा कैसे याद करेंगे. नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम आयरन एवं मॉलिब्डेनम धातु जिस एंजाइम में सक्रिय कारक के रूप में उपस्थित होते हैं वह कौन सा होता है. मैग्नीशियम में कौन सा है, आयरन किसके लिए है और मॉलिब्डेनम किसके लिए है. तो देखिए एक आप एक या दो एंजाइम तो ऐसे एकदम याद कीजिए जिसके लिए सक्रिय कारक रूप के जो केमिकल्स हैं आपको पता हों. तो इसका आंसर होगा फॉस्फेटेसिस, साइटोक्रोम एंड नाइट्रोजेनेसिस. फॉस्फेटेसिस जो है उसके लिए ज़रूरी है मैग्नीशियम, साइटोक्रोम के लिए आप जानते हैं आयरन और मॉलिब्डेनम नाइट्रोजेनेसिस के लिए. नेक्स्ट वन इज राइबोजाइम्स आर डिस्कवर्ड बाय. राइबोजाइम्स जो थे वो किसने डिस्कवर्ड किए थे, थॉमस आर कोच एंड सिडनी अल्टमैन ने. थॉमस आर कोच एंड सिडनी अल्टमैन. राइबोजाइम्स की खोज किसने की थी, थॉमस आर कोच एवं सिडनी ऑल्टमैन ने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण का सही कथन क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. सो आंसर इज 2. द बीटा ऑक्सीडेशन एंड ग्लाइक्सिलेट साइकिल अकर्स इन ग्लाइक्सोसोम्स एंड सक्सिनेट प्रोड्यूस्ड एंटर
इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। बीटा ऑक्सीडेशन एवं ग्लाइकोलेट चक्र ग्लाइकोसोम में होता है और उत्पादित सक्सिनेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है। दिस इज द करेक्ट वर्ड, सॉरी, दिस इज द करेक्ट लाइन फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। क्या है कि बीटा ऑक्सीकरण एवं ग्लाइकोसिलेट चक्र ग्लाइकोसोम में होता है और उत्पादित सक्सिनेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है। इन प्रोकैरियोट्स द इनिशिएशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस अकर्स विद द बाइंडिंग ऑफ द लैडर सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए विद 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स। द लैडर सीक्वेंस एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए इज कॉल्ड एज राइबोसोमल बाइंडिंग साइट आरबीएस और शाइनी डेलगैरानो सीक्वेंस। दिस इज व्हाट इज द शाइनी डेलगैरानो सीक्वेंस, 5 प्राइम ए जी जी ए जी जी ए 3 प्राइम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स डज नॉट नीड पीसीआर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की निम्न में से किस विधि में पीसीआर की आवश्यकता नहीं होती, आरएपीडी, आरएफएलपी, एसएसआर और आईएसएसआर, आरएफएलपी। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे 150 क्वेश्चंस और उम्मीद है ये क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। और इसी के साथ गुड लक।